हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंटल साइंस के जो थर्ड सेगमेंट है हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। लेक्चर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्फीयर द हाइड्रोस्फीयर इज द combined mass of water, combined mass of water found on under नीचे एंड अबो दी सरफेस ऑफ प्लेनेट। और चूंकि अर्थ की बात कर रहे हैं तो प्लेनेट यहां पर अर्थ हो जाएगी। ठीक है, क्या बात की इसने? द हाइड्रोस्फीयर इज ए कंबाइंड मास ऑफ वॉटर फाउंड ऑन अंडर और अबोव द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट। ठीक है, अब हम उन सारी चीजों को टच करेंगे जो वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने अर्थ को ही देख लेते हैं। अपने अर्थ का ये तो 75 हो जाएगा यहां पर। तो अपनी अर्थ का 71% अपनी अर्थ का 71% हिस्से को वाटर कवर करता है और जो बच गया 29% लैंड। इसीलिए जब अपने अर्थ को दूर से देखने पर ये ब्लू प्लेनेट तरह दिखता है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अर्थ के ऊपर कितना पानी यूजफुल है, कितना पानी फ्रेश है, कितना बेकार है, कितना साल्टी है। ठीक है, देखो अर्थ के ऊपर जितना पानी है उसका 97.3% साल्ट वाटर है जो कि ओशियन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ओशियन देखेंगे क्या होता है, पांच तरीके के ओशियन से उनके नाम भी याद करेंगे, हर तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब बच गया जो हिस्सा वह 2.9% जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर है। ठीक है, 97.3 साल्ट वाटर जो कि ओशियन के अंदर प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर 2.9%। अब हम फ्रेश वाटर को लेकर चलते हैं। देखो इसी पोर्शन को जूम कर लिया। ठीक है, ये फ्रेश वाटर, ये टोटल वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है उसका 78.7% ग्लेशियर्स के अंदर प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स या आइस के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, अब 30% कुछ ज्यादा ही कम हो गया। 30.1% ग्राउंड वाटर है। ठीक है, और जो बचा 1% ना, उसके अंदर सब कुछ आ गया, रिवर्स, लेक, जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स है वो 1% के अंदर रिवर्स, लेक्स,
शुरू हुई, हमने देखा पूरी अर्थ के ऊपर 97.3% साल्ट वाटर है, 2.9% फ्रेश वाटर है जो कि हम पी सकते हैं। अब देखा जो फ्रेश वाटर है जो 2.9% है उसका 68.7% ग्लेशियर्स या आइस के रूप में प्रेजेंट है, जो 30.1% अर्थ के नीचे है जो कि ग्राउंड वाटर है, जो 1% बचा वो रिवर्स लेक एटमोस्फेयर और जो कुछ भी बचा अदर प्लस अदर। समझ में आई ये बात? अब देखते हैं हम वाटर से रिलेटेड कुछ अलग बातें, ठीक है। देखो जो पानी है उसकी खास खास बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। जो वाटर है वो कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, पर बहुत सारा वाटर एक जगह इकट्ठा है लार्ज अमाउंट तो ब्लूइश कलर का दिखता है, ठीक है। और ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं इसकी, टेस्टलेस है, टेस्टलेस है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, वाटर के अंदर से देख सकते हैं इसीलिए ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। दो कंपाउंड से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारी चीज आपको पता है, इसका फॉर्मूला H2, ठीक है। आज जो हमने ओशियन की बात की थी ना, ओशियन 97.3% वाटर प्रेजेंट है, 97.3% वाटर प्रेजेंट है, उसको हम देख लेते हैं कितने ओशियन प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। देखो अर्थ को हम कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, सही नहीं दिखी, दोबारा से करते हैं, ठीक है। पांच ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, पहला पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इस साइड भी पैसिफिक ओशियन, सर ये कैसे पॉसिबल है, आप कौन समझाते हैं? जैसे हमने अर्थ को, अर्थ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, हमने अर्थ को पीछे से कट कर उसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन एक ही है, हमने काट कर ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, अर्थ को काट कर इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। पैसिफिक ओशियन ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहां पर है, एस शेप के अंदर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन इस तरीके से इसकी शेप है, ठीक है। और इस साइड अपना इंडियन ओशियन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो ऊपर प्रेजेंट है ना ऊपर, उसे बोलते हैं आर्कटिक ओशियन, और जो फिफ्थ है जिसको अभी मान्यता दी गई है वो है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ओशियन। पहले हम सिर्फ चार ओशियन के बारे में बताते थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको पांचवें ओशियन का दर्जा प्राप्त कर दिया गया है, या पांचवा दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा ओशियन ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पर इंडियन ओशियन, है मालिक तेरे बंदे हम, ठीक है। नेक्स्ट हम वाटर साइकिल के बारे में देख लेते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल क्या है, लेट अस सपोज पैसिफिक ओशियन बना दिया हमने, ठीक है, यहां पर पैसिफिक ओशियन,
आपकी मर्जी से कोई लेक बना लीजिए, रिवर बना लीजिए। सन, सन ने अपनी रेडिएशन छोड़ी है, थोड़ा 3D में बनाए थे इसको हम, ये ऊपर पानी लेयर है ठीक है, अब नीचे भी पानी प्रेजेंट है, ऊपर भी पानी प्रेजेंट है। ऊपर जैसे ही रेज आई, ऊपर वाले पानी को हल्का कर दिया, मींस गर्म कर दिया, वाटर वेपर्स बनने शुरू हो गए, वाटर वेपर्स बनने शुरू हो गए। इस प्रोसेस को बोलेंगे इवोपरेशन। वाटर वेपर्स हल्के होने लगे, ऊपर जाने लगे, कौन सी लेयर के अंदर? ट्रोपोस्फेयर लेयर। एटमॉस्फेयर पढ़ा दिया ना आपको, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फीयर। और जैसे जैसे ये वाटर वेपर्स ऊपर जाते जा रहे हैं, हमें पता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कितना ऊपर जाने पर? 1 कितना ऊपर जाने पर? 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हमें पता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है? -1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है 165 मीटर ऊपर जाने पर। ठीक है, ऊपर गए, अभी इसको मिटा देते हैं, ऊपर गए, ठीक है, वाटर वेपर्स, और तुम्हें पता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ऊपर गए, तो वाटर वेपर्स ड्रॉपलेट के अंदर, वाटर ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हुए, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। सन रेडिएशन आई, ऊपर वाली सतह के, वाटर के ऊपर वाली सरफेस से वाटर को गर्म किया, मींस एवोपरेट किया, वाटर वेपर्स बने, ऊपर गए ट्रोपोस्फीयर के अंदर, पता है टेम्परेचर ऊपर जाने से डिक्रीज होता है, वाटर वेपर्स ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हुए, वाटर ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हुए, फिर नीचे आए, नीचे आने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रसिपिटेशन। सन रेज आई, वाटर वेपर्स बनाए, प्रोसेस बोला एवोपरेशन, ऊपर गया ठंडे हुए वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बनी, उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। अब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आई बारिश बनकर, उस प्रोसेस को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर बस इतना ही, हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन, द हाइड्रोस्फीयर इज ए कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन, अंडर और अबो द सरफेस ऑफ प्लेनेट अर्थ। हाइड्रोस्फीयर के अंदर बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं बायोस्फीयर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।